नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की देखने वाले हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका बुकलेट सीरीज नंबर है बी, तो आप लोग क्या करेंगे फटाफट मिला लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग एक पोल देख लेते हैं जिसमें करीब करीब 8,500 लोगों ने भाग लिया था। तो इसमें जो बता रहा है 73% लोगों का मानना है कि यह क्वेश्चन जो पेपर था मॉडरेट था। क्वेश्चन नंबर 1, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? ऑप्शन बी जगजीवन राम। 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले? ऑप्शन ए दीपावली। क्वेश्चन नंबर 3, राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया? ऑप्शन डी नवंबर 1946 में। क्वेश्चन नंबर 4, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए अब्दुल गफार खान। क्वेश्चन नंबर 5, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन डी ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? ऑप्शन डी माइकल ओडायर। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल। इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? ऑप्शन सी रैमजे मैकडोनाल्ड। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन डी 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन डी 1929 ईस्वी लाहौर। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम क्या दिया था? ऑप्शन बी स्वराज द्वीप। अंडमान द्वीप का नाम था शहीद द्वीप। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ से 10 क्वेश्चन मैथ का है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन डी 7। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन सी 18 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन डी 240 प्रति दर्जन। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन सी 52 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन डी 12 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन ए 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन डी 5। क्वेश्चन नंबर 26, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किसे प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए मृदा। क्वेश्चन नंबर 27, पाइन फर स्प्रूस सेडार लार्च एवं साइप्रस आदि पर मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए द्विबीजपत्री। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न जड़ों में से कौन सा जड़ सही सुमेलित है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें ऑप्शन बी के अलावा सही सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 29, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है? ऑप्शन सी केचुआ। क्वेश्चन नंबर 30, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ऑप्शन डी ग्लूकोज। अधिकतर एंजाइम होते हैं ऑप्शन बी प्रोटीन। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 33, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? ऑप्शन डी अपकेंद्रण। क्वेश्चन नंबर 34, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? ऑप्शन ए कांच। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन बी गति। क्वेश्चन नंबर 36, यदि धरती घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूभन रेखा पर पिंड का वजन? ऑप्शन सी घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? ऑप्शन बी गैलीलियो। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? ऑप्शन ए एवोगाड्रो का नियम। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, आप एक चिता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन।
एक संवाह के तापकरण परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं ऑप्शन बी थॉमस प्रभाव। आवर्तक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, ऑप्शन ए प्लैटिनम। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं, ऑप्शन डी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 44, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं, ऑप्शन बी प्रगलन। निम्न में से कौन से पीतल के घटक है, ऑप्शन बी जस्ता एवं तांबा। निम्न में से किसे अनुभुजा चूना कहते हैं, ऑप्शन बी CaO कैल्शियम ऑक्साइड। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, ऑप्शन डी यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं, ऑप्शन डी प्लैटिनम। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला वाक्य है उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा वाक्य है यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण है, यह गलत हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केबल वन। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है, बिल्कुल सही है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, यह भी कथन सही है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एक एवं दो दोनों, क्योंकि इसमें पूछा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 51, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है, ऑप्शन बी मीथेन। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किस रासायनिक कारण पटाखा फूटने से चमत्कार लाल रंग दिखाई देता है, ऑप्शन बी ट्रांसियम। क्वेश्चन नंबर 53, लवणतायुक्त पतावन प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए लवण मृदु भिद। क्वेश्चन नंबर 54, कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन डी पर्ण हरित। परागकण की सुपरिभाषा है, ऑप्शन बी परागकण का पराग केसर के क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। क्वेश्चन नंबर 56, सूची एक का मिलान सूची दो से करना है, तो बिहार के राज्यपाल कौन है। 4, श्री फागू चौहान बिहार के मुख्य न्यायाधीश। 3 नंबर में श्री संजय करोल बिहार के मुख्यमंत्री। 1 नंबर में श्री नीतीश कुमार और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी। 2 नंबर में श्री HR श्रीनिवास। तो इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, ऑप्शन ए शराबबंदी से। क्वेश्चन नंबर 58, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता, ऑप्शन बी स्वर्ण पदक। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है, ऑप्शन बी भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है, ऑप्शन डी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 61, सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है, ऑप्शन बी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। क्वेश्चन नंबर 62, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई, ऑप्शन सी जापान। क्वेश्चन नंबर 63, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है जिसमें पहली बार किस भाषा को उल्लेख किया गया, ऑप्शन ए हिंदी। आप लोगों को इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप लोग उससे जुड़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की, ऑप्शन बी अब्दुल्ला शाहिद। क्वेश्चन नंबर 65, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला, ऑप्शन ए ऑपरेशन गंगा। हाल ही में चीन ने साक्तेंग बंजीब अभियान के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए यह एक विवाद क्षेत्र है। यह बंजीब अभियान कहाँ स्थित है, ऑप्शन सी भूटान। क्वेश्चन नंबर 67, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 68, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संयुक्त राष्ट्र संघ शांति
रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं। सेकेंड कथन है, शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस किया जा सकता है। और तीसरा कथन है, संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। तो पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो ये तीनों कथन सही है, तो इसीलिए सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन बी इजराइल। क्वेश्चन नंबर 70, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्टिकम लॉन्च किया है? ऑप्शन डी रूस। क्वेश्चन नंबर 71, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन बी विराट कोहली। कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन बी हर घर दस्तक अभियान 2.0। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? ऑप्शन सी एकनाथ शिंदे। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? ऑप्शन ए केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 75, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन बी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों का मिलान कीजिए। तो राजस्थान का राज्यपाल है कालराज मिश्र, ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल, यह भी सही है। पश्चिम बंगाल सतपाल मलिक, यह गलत हो जाएगा। और चौथा है गुजरात फागु चौहान, यह भी गलत हो जाएगा। फागु चौहान तो बिहार का राज्यपाल है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया है? ऑप्शन डी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि MOSPI। क्वेश्चन नंबर 78, खबरों में नजर आने वाले एला वेनिल वाला रिवन श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन सी निशानेबाजी। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभाव किसे सौंपा गया है? ऑप्शन बी स्मृति ईरानी। क्वेश्चन नंबर 80, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA के उम्मीदवार कौन थे? ऑप्शन बी यशवंत सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 81, अपने उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली है? ऑप्शन बी गीतांजलि श्री। बिहार से किस 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी दीप श्रेष्ठ को। क्वेश्चन नंबर 83, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? ऑप्शन डी 15.3%। क्वेश्चन नंबर 84, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन डी मनोज तिवारी। क्वेश्चन नंबर 85, माता सीता के बीच की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? ऑप्शन सी सीतामढ़ी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन बी सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन सी सिद्धू एवं कानू। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? ऑप्शन बी 1832। किस वर्ष बिहार को ओडिशा से पृथक किया गया? ऑप्शन सी 1936। क्वेश्चन नंबर 98, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन सी राजगिरा। क्वेश्चन नंबर 91, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 92, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन बी पुष्यभूति। क्वेश्चन नंबर 93 है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? ऑप्शन बी कुषाण। क्वेश्चन नंबर 94, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था? ऑप्शन बी बलबन। क्वेश्चन नंबर 95, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? ऑप्शन बी बलबन। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम मेंटिक ने प्रारंभ किए? सती प्रथा का उन्मूलन, बिल्कुल सही है। सेकेंड है दास प्रथा का उन्मूलन, यह गलत हो जाएगा। दास प्रथा का उन्मूलन जो है लॉर्ड एलनब्रो ने किया था। इसके अलावा ऑप्शन 4 ठगों के संगठित गिरोहों का दमन।
तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सिलीमैन के सहायता से ठगों का उन्मूलन किया था, तो यह भी सही हो जाएगा और तीसरा भी सही है। तो इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4। देखिए इस सवाल को आप लोग कैंसलेशन से भी कर सकते थे, एलिमिनेशन तरीके से। दास प्रथा का उन्मूलन आपको अगर पता होता एलेनब्रो था, तो 2 तो नहीं होगा और 2 जो है सी के अलावा सभी तीनों ऑप्शन में, तो इसीलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? ऑप्शन डी नेपियर। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन बी 1872। सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? ऑप्शन सी 23 मार्च 1931। क्वेश्चन नंबर 102, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ऑप्शन ए ब्रह्मदत्त। इसमें जो है बहुत सारे लोग गलत मार करके आए होंगे, ऑप्शन बी विनोबा भावे मार करके आए होंगे, तो इस क्वेश्चन को सही से पढ़ना था, यहाँ पर तीसरा सत्याग्रह ही पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 103 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन बी उषा मेहता। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ऑप्शन डी जीवक। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी। अगला सवाल, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन डी कोसी नदी। बिहार के किस जिले में तेलहार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? ऑप्शन डी कैमूर। क्वेश्चन नंबर 108, एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? ऑप्शन सी कांवर झील। क्वेश्चन नंबर 109, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? ऑप्शन सी जमुई। क्वेश्चन नंबर 110, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 111, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन ए 51.50%। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? ऑप्शन ए सूर्य। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? ऑप्शन ए निकेल और फेरम। भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन सी WM डेविस ने। क्वेश्चन नंबर 115, गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा, पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? ऑप्शन सी दक्षिणी गोलार्ध। क्वेश्चन नंबर 116, सार्गेसो सागर एक हिस्सा है? ऑप्शन डी उत्तरी अटलांटिक महासागर का। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन नंबर 118, राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। पहला कथन है, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है, मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, यह भी सही है। तो 2 सही हो गया, तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 119, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक सजग भविष्य का निर्माण है, यह भी सही है। और तीसरा है, बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, यह भी सही है। तो पूछा हुआ है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो तीनों कथन सत्य है, तो इसीलिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 1, 2 और 3। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी केसर। क्वेश्चन नंबर 121, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन बी केरल। क्वेश्चन नंबर 122, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन डी नेपानगर। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? ऑप्शन सी रानीगंज। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति कौन है? ऑप्शन डी भील। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है? ऑप्शन डी 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 26, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? ऑप्शन बी वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 27, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ई उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 128, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन सी 788। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? ऑप्शन ए कितनी भी बार।
क्वेश्चन नंबर 130, लोकसभा समानता कितने सत्र होते हैं? ऑप्शन बी 3, BMW, यानी कि बजट, मानसून एंड विंटर सेशन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए MC सेतलवार। क्वेश्चन नंबर 132, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 83 और ऑप्शन सी अनुच्छेद 172, ये दोनों को संशोधित करना पड़ेगा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, यहाँ पर पंचायत व्यवस्था नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 34, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, इस परिसीमन को कितने वर्ष तक रोक दिया गया है? ऑप्शन डी 2026 तक। क्वेश्चन नंबर 135, सर्वोच्च न्यायालय एक संविधान का अंतिम विवेचक है। क्वेश्चन नंबर 36, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। ऑप्शन बी पटना, मुंगेर, फिर नालंदा। क्वेश्चन नंबर 37, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का होने का अनुमान है। ऑप्शन डी 3.47%। क्वेश्चन नंबर 138, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7-2 योजना का ऐसा नहीं है। ऑप्शन ए सभी के लिए वायु मार्ग। क्वेश्चन नंबर 139, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो इसको जो है आप लोग टिक कर सकते थे, शिवहर का जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे कम है और एक ही ऑप्शन में शिवहर सबसे लास्ट में दिया हुआ है, तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, NSSO के 68वें दौर के आधार पर करीबी अनुमान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 141, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन बी संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। क्वेश्चन नंबर 142, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न से कौन सा कथन गलत है? तो ये चारों कथन सही है, तो इसलिए सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 143, भंडारी समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना। क्वेश्चन नंबर 144, राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित कथन चुनिए। सही कथन चुनना है तो ऑप्शन ए गलत है, सेबी इसका विनियमन नहीं करती है। ऑप्शन बी जो है यह सही है, ऑप्शन सी भी सही है। तो इस प्रकार सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 145, निम्न में से कौन सा भारत का बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए बी निवेश। 146, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स GDP अनुपात क्या था? ऑप्शन सी 11.7%। क्वेश्चन नंबर 147, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? ऑप्शन बी 1.7%। क्वेश्चन नंबर 148, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? ऑप्शन बी 109.5 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 149 है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो पहला कथन सही है और दूसरा कथन भी सही है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और फाइनल 150, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। तो पहला ही कथन गलत है, 2.8 नहीं होगा, 2.3 होगा प्राथमिक क्षेत्र में, बाकी तीनों कथन सही है। आप लोग हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।